नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। सो गाइस, आज होने जा रहा है सेकंड मैच ऑफ TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग का आज दूसरा मैच खेला जाएगा दिनगुल ड्रैगन्स के बीच में, और यहां पर दूसरी ओवर है रूबी ट्रिक्स। तो गाइस, आज हम पूरे कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी कि हम लोग करेंगे आज DD वर्सेस RT का यहाँ पर कंपैरिजन। देखेंगे कौन सी टीम आज मुकाबला लेकर के जा सकती है, क्या यहाँ पर पिच रिपोर्ट रहने वाली है, किस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है, किसकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी है और किसकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, फुल ओवर स्टैट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो से स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वेन्यू की, मुकाबला कहाँ होने वाला है। तो ये गाइस मुकाबला होने वाला है फ्राइडे 24 जून 2022 शाम को 7:15 पर इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड में। और यहाँ पर बात करेगा जो पिच रिपोर्ट की, भाई ये पिच रिपोर्ट कैसे रहने वाली है। पिच रिपोर्ट में यहाँ पर टोटल 50 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से यहाँ पर टारगेट डिफेंड ने 25 जीते हैं और टारगेट चेस ने 23 मुकाबले जीते हैं, और मैच जो यहाँ पर 2 टाई हो चुके हैं, यानी ओवरऑल यहाँ पर बात जो है बराबर की हम लोगों को नजर आ रही है। वहीं बात करें फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर की, तो यहाँ पर वो 157 रन रहता है, और यहाँ पर टारगेट चेस की बात करें तो 157 रन का रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि मतलब यहाँ पर ज्यादा रन हम लोगों को देखने के लिए इसलिए नहीं मिल पाते, क्योंकि मतलब जो ड्राई रहती है यहाँ की जो पिच है ना, ज्यादातर ड्राई रहती है। दैट्स अ बिग रीजन कि यहाँ पर जो है ज्यादा अच्छे और बड़े स्कोर, मतलब 190, 120, 200, मतलब 200 से ऊपर के ज्यादा स्कोर देखने के लिए नहीं मिलते। 190 भी बहुत ही कम जाता है, मतलब यहाँ पर कम ही हम लोगों को रन देखने के लिए मिलेगा फिलहाल। तो अगर हम लोग गाइस बात करें दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 को कंपैरिजन करें, सो गाइस यहाँ पर दिनगुल ड्रैगन्स की टीम से प्लेइंग 11 करते हुए हम लोगों को नजर आने वाले है मानी भारती, हरीश निशांत, एस अरुण, रामनाथम शिवाश्रम, आर विवेक, राजनंग सुरेश, एस लिब्रासन, एस स्वामीनाथन, के मुकानंद, एस लोकेश्वर, अद्वित शर्मा। तो गाइस यहाँ पर इनकी अगर जो बात करें कि भाई बैटिंग कैसे रहने वाली है, देखो बैटिंग जो इनकी एवरेज रहने वाली है, और जो बॉलिंग है मतलब जो बैट्समैन रख रखे हैं इन लोगों ने अपनी टीम में, ज़्यादा अच्छे नहीं है मैं कहूँगा, एक एवरेज स्कोर पर चल रहे हैं। और वहीं बात करेगा जो बॉलिंग की, भाई बॉलिंग कैसी है, बॉलिंग इनकी एक ठीक ठाक है, और स्पिनिंग इनकी काफ़ी मतलब कहूँगा कि स्पिनिंग भी एवरेज लेवल पर, ज़्यादा बुरी नहीं कहूँगा, और बॉलिंग और स्पिनिंग जो है बहुत ही मतलब एक एवरेज स्कोर पर चल रही है। सो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो टीम है एक ठीक ठाक टीम है। वहीं बात करें अगर जो रूबी ट्रिक्स की, तो यहाँ पर रूबी ट्रिक्स की यहाँ पर जो रूबी ट्रिक्स वॉरियर्स की अगर जो टीम की प्लेइंग 11 की बात करें, तो यहाँ पर है अमित श्रीवास्तव, मुरली विजय, आदित्य गणेश, हेमंत कुमार, एम आनंद खान, निधीश आराज गोपाल, यू आर रहमान, राही साहा, आकाशा शर्मा, एंटोनी दास एंड एम पोलिनोजी। तो गाइस यहाँ पर अगर जो इन्हीं टीम की बात करेगी भाई इस टीम की बैटिंग कैसी, तो बैटिंग का मैं मामले कहूँगा कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन दर रखे हैं इन्होंने इस बार में, यहाँ पर बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। वहीं दूसरी बात करेगा जो बॉलिंग की, तो बॉलिंग इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स ना बहुत ही बेकार दर रखे हैं, लेकिन स्पिनिंग के मामले में इन्होंने बहुत अच्छी चॉइस रख रखी है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्पिनिंग जो है एक गोल्ड लेवल स्पिनिंग है, मतलब बहुत ही अच्छी स्पिनिंग रख रखी है इन लोगों ने अपनी टीम में। सो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी स्पिनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर दूसरी जो टीम है दिनगुल ड्रैगन्स, उनकी ज़्यादा अच्छी मतलब स्पिनिंग नहीं है, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। तो वहीं बात करेगा जो दोनों ही टीम के लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड्स की, यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो स्टैट निकाला उससे देख करके तो लग रहा है कि भाई दिनगुल बहुत ज़्यादा मतलब वीक टीम है, लेकिन वहीं अगर जो बात करें कि यहाँ पर 6 मैच से वो 3 मुकाबले जीत कर आ चुके हैं, तो यानी कि वो बेकार टीम नहीं कह सकते। और इसका एवरेज बैटिंग स्कोर जो है 156 रन का, जो कि एक एवरेज स्कोर है, ज़्यादा अच्छा नहीं है T20 में तो खास करके, लेकिन बॉलिंग जो एवरेज स्कोर है बॉलिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो है 7.54, तो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं बात करेगा जो रूबी ट्रिक्स के लास्ट मैच मुकाबले में, तो 4 मैच जीते हैं, 2 मैच आ रहे हैं, और 152 का यहाँ पर बैटिंग एवरेज स्कोर है, और 7.33 का यहाँ पर बॉलिंग स्कोर है। तो यानी कि बॉलिंग स्कोर इनका भी अच्छा है, लेकिन बैटिंग एवरेज स्कोर ज़्यादा अच्छा इनका नज़र नहीं आ रहा है, और 4 मुकाबले जीत चुके हैं, यानी कि रूबी ट्रिक्स थोड़ी बहुत हम लोगों का नज़र आ रही है। और अगर जो बात करें लास्ट दोनों ही हेड टू हेड के मैच की, भाई हेड टू हेड में लास्ट 5 मुकाबले में क्या सीन रहा है, तो भाई DGD यानी कि दिनगुल ड्रैगन्स ने यहाँ पर भाई 4 मैच जीते हैं, और रूबी ट्रिक्स वॉरियर्स ने यहाँ पर 1 मुकाबला जीता है। तो गाइस अगर जो अब बात करें यहाँ पर कि भाई कौन सी टीम अगर लेकर जा सकती है, तो मेरे हिसाब से जो टीम है यहाँ पर विन परसेंटेज जो निकल के आ रही है वो 50-50 के निकल के आ रही है, क्योंकि भाई DGT जो के पुराने रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन करंटली जो टीम बनाई है वो ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन रूबी ट्रिक्स जो टीम है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इस बार मजबूत नज़र आ रही है। तो मैं विन परसेंटेज के मामले में 50-50 रखना चाहूँगा दोनों ही टीम को, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा रूबी ट्रिक्स ये मुकाबला लेकर के जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी प्लेइंग 11 बन रही है और बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, तो भले ही वो लोग मैच अच्छा मतलब ज़्यादा रन ना बना पाए, लेकिन वे स्पिनिंग और बॉलिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से रूबी ट्रिक्स से मुकाबला लेकर के जा सकती है। आप लोगों को लगता है कौन जीतेगी, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं, लेकिन जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोगों को हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम, गुड बाय।